वेलकम टू देवीज किचन। आज मैं एक चिकन करी बनाने वाली हूँ। बहुत आसान है बनाने के लिए, बहुत इसी वे में बना सकते हैं। उसके लिए एक कुकर में ऑयल गरम करने का, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने का, थोड़ा कड़ी पत्ता, दो ग्रीन चिलीज कट किया हुआ, अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में रखने का गैस। अभी इसमें 3 मीडियम स्लाइस्ड ऑनियन कट किया हुआ, बारीक कटा हुआ, ये भी अच्छे से फ्राई होना चाहिए। गैस आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, अच्छे से फ्राई करना चाहिए। ऑनियन फ्राई हो गया, अभी इसमें हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अभी अच्छे से उसको फ्राई करने का, उसका रॉ स्मेल जाने तक फ्राई करना। अब इसमें टमाटर डालेंगे, 3 मीडियम साइज टमाटर, अभी इसमें चिकन डालेंगे, और चिकन हल्दी और नमक डाल के रखा हुआ है वो डालें। अब अच्छे से मिक्स कर, थोड़ा हाई फ्लेम में रखने का गैस। अभी इसमें पानी डालेंगे, 2 ग्लास पानी डालेंगे। अभी नमक डालने का, नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, थोड़ा कम है, थोड़ा और डाल देते हैं। बेस में थोड़ा कड़ी पत्ता, और एक पोटैटो जो कट करके रखा हुआ है वो भी डालेंगे। अभी कुकर बंद करेंगे और 1 विसिल के बाद ऑफ करेंगे। विसिल हो गया, कुकर का प्रेशर गया, अभी ओपन करके देखेंगे। करी रेडी हो गया, अभी इसमें हम लोग धनिया डालेंगे। एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें सिनेमन, इलायची, थोड़ा सा सब क्लोव्स और थोड़ा सौंफ,
फ्राई करके डालेंगे। थोड़ा और ऑयल गरम करके उसमें कड़ी पत्ता दो ग्रीन चिल्ली काश्मीरी चिल्ली थोड़ी फ्राई करेंगे, इसमें डालेंगे। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डालेंगे। चिकन रेडी हो गया। आपको ये रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।